हमेशा हमारा साथ देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका मैनेजमेंट की तरफ से और मेरे तरफ से भी। चलते हैं मैदान की तरफ, काटो भरा मुकाबला। अजर तलोजा एक्सप्रेस तेज रफ्तार खारगर एंड से लंबा रन अप, अपनी जाति पहली, टीम की तरफ से पहली, ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार। लेट आने वाले दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा, ये होने वाला है काटो भरा मुकाबला, अजवा वर्सेस हाईवे ब्रेक। एक मिठाई एक खाना खाने के लिए, क्या भी खूबसूरत शॉट मम्मू बासित मिथुनदा के बल्ले से निकलता हुआ चार रनों के लिए। ये है पुराने फिल्मों के पुराने हीरो, लेकिन खेलते हैं नए अंदाज में। काफी खूबसूरत शॉट, वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों की टीम का खाता खोला, अपना खाता खोला चार रनों के साथ। स्कोर बताता हूं विकेट के साथ चार रन। ये गेंद अच्छी गेंद थी, काफी खूबसूरत गेंद। ये है तलोजा एक्सप्रेस, अजहर कमरुद्दीन जान जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन अपने क्रिकेट के हुनर से उन्होंने अपना एक छवि और एक नाम कमाया हुआ है। अजहर कमरुद्दीन अपनी जाति पहली, टीम की तरफ से पहली, ओवर की तीसरी गेंद फेंकने के तैयार। तेज रफ्तार खारगर एंड से लंबा रन अप, आए अंपायर मोहम्मद तला को पार किया। ये गेंद बासित के लिए, बासित उठा के मारे वहां पर फील्डर मिले मौलाना अबू बकर और सुहेल, लेकिन दोनों में से कोई भी कैच नहीं पकड़ पाए। नतीजा दो बल्लेबाजों ने भागकर दो रन पूरे किए, टीम का स्कोर दो रन से बढ़ता हुआ छह बगैर कोई नुकसान के। हाईवे ब्रेक ननपा मुजस्सिर की टीम थोड़ी सी रफ्तार लेती हुई, ये मुकाबला काफी कड़क मुकाबला है। अजवा इलेवन जिन्होंने ब्लैक स्टोन ट्रॉफी जीती थी और जो बल्लेबाजी कर रही है, हवेली इलेवन ननपा भी तुम्हें बागी की पार्टनरशिप की जो टीम है उन्होंने टीपीएल जीती थी। ये गेंद अच्छी गेंद थी, व्हाट अ कमबैक बाय अजहर। आकिब बाबू तारेकर विकेट कीपर काफी खुश, कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, सराहना करनी होगी, काफी कसी हुई गेंदबाजी। बासित को थोड़ा चकनाचूर कर रहे हैं यहां पर अजहर। स्कोर रुका हुआ छे बगैर कोई नुकसान के। अजहर बासित के लिए और यहां पर कॉर बिहाइंड की अपील, अंपायर मोहम्मद तला के ऊपर कोई इशारा नहीं और जबरदस्त यहां पर गेंदबाजी करते हुए कप्तान आरिफ भाईजान काफी खुश। व्हाइट ट्रैक जींस, व्हाइट एंड पिंक टी शर्ट एंड व्हाइट कैप अजहर बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बासित को चकमा दे रहे। ये गेंद बल्ला आसमान पर, गेंद जमीन पर, बाकी का काम विकेट कीपर बाबू ने पूरा किया और यहां पर अपील अंपायर से कर रहे हैं। अंपायर खालिद कमरुद्दीन और मोहम्मद तला दोनों डिस्कशन करेंगे क्या होने वाला है इसका नतीजा, इसका फैसला। ये डॉट गेंद के बाद एक ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर छह रन। यहां हमारे साथी स्कोरर हमारे साथ दे रहे जो स्कोरर सफवान विराट कोहली, वो हमें कह रहे हैं कि यहां पर ये डिसीजन अंपायर डिसीजन नो डाउट, थैंक यू खालिद कमरुद्दीन, ये सही डिसीजन है आपका। बाबू आकाश तारेकर आप ऐसा ना करें, वो बल्ला देने जा रहे थे किसी और को। अंपायर डिसीजन दे चुके, ओवर कंप्लीट हो चुके हैं, अंपायर डिसीजन दे चुके, ओवर कंप्लीट हो चुकी है। नो आर्ग्यूमेंट विद अंपायर आरिफ, आरिफ बिया भाई ननपा तुम अंदर ना आए प्लीज, तुम अंदर ना आए प्लीज, हो गया पूरा फैसला हो चुका है, उन्होंने बैट रख कर ओवर कंप्लीट हो चुकी थी और हमारे मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से फैसला है कि नो डाउट है ये ओवर कंप्लीट हो चुकी थी प्लीज, और गेंद भी डॉट हो चुकी है। और यहां पर हमारे बबलू अफगान सुबेदार भी कह रहे हैं और रियान पटेल और सफवान विराट कोहली भी कह रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है कि लाइव में साफ दिख रहा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है कि वो ओवर कंप्लीट होने के बाद अपने नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर जा रहे थे, बल्ले को अपने क्रीज में रखकर जा रहे थे। और यहां पे काफी खराब बल्लेबाजी मम्मू बासित की, पहले गेंद में चौका लेने के बाद पूरे ओवर खेलने पर दो रन बनाए तुमने, काफी घटिया परफॉर्मेंस। आपसे दर्शकों को ये अंदाजा नहीं था, आपसे दर्शकों को ये उम्मीद नहीं थी और कप्तान ननपा मुजस्सिर को भी ये उम्मीद नहीं थी। ये मैच तीन ओवर का है और पहली ओवर पावर प्ले की 12-15 रन की होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर अजवा 11 काफी हावी होती हुई ननपा हाईवे ब्रेक टीम के ऊपर।
और अम्मर काफी खुश। ननपा हाईवे ब्रेक की टीम खसारे में जाते हुए अम्मर खुश। अम्मर जो आयोजन है फैजान के साथ में, स्पीड अप करें, स्पीड अप प्लीज। मौलाना अबू बकर जरा स्पीड अप करने को बोलो बाबू। इसके बाद का होने वाला मुकाबला खेला जाएगा फ्रेंड्स फॉरएवर्स और बबलू सुबेदार। इसके बाद का भी मुकाबला तीनों का खेला जाएगा। तौसीफ मदार अंपायर को पार करते हुए मोहम्मद तला का इशारा वाइड का आता हुआ काफी दूर, पॉपिंग लाइन के बाहर गेंद थी तौसीफ की, टर्न करना चाहते थे लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड, अतिरिक्त रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 7 बगैर कोई नुकसान के। काफी खराब यहाँ पर टारगेट। फिर से एक बार तौसीफ मदार आए अंपायर को पार किया, सहबाद के सहबाद ने उठा के मारा, वहां पर दो फील्डर गेंद के नीचे है अफान जॉन्टी और नौमान मदार और दोनों ने अच्छी फील्ड की, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा दो बल्लेबाजों को सहबाद और बासित मम्मू को। टीम का स्कोर 1 रन से बढ़ता हुआ 8। इस ओवर की 1 गेंद फेंकी जा चुकी है और 5 गेंद फेंकी बाकी, फेंकना बाकी। फिर से एक बार तौसीफ, ये गेंद काफी जबरदस्त गेंद, मम्मू बासित काफी परेशान, काफी खराब बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छे गेंदबाजों के ऊपर अच्छी बल्लेबाजी करना उसके बाद टॉप 10 में आपको लिया जाएगा। उसामा बागवाले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि खराब बल्ले गेंदबाजों के ऊपर कोई भी बल्लेबाज अच्छी तरीके से बल्लेबाजी कर सकता है लेकिन अच्छे गेंदबाजों पर अच्छी बल्लेबाजी करना ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ये फुल टॉस गेंद सहबाद के, सहबाद ने उठा के मारने की कोशिश लेकिन ना ही मार पाए। वहां पर अच्छी फील्डिंग डायरेक्ट फील्डर के हाथों में, एक रन पूरा किया, दूसरा लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए। इस एक रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। ननपा मुदस्सिर हाईवे ब्रेक के ओनर काफी नाराज, अनस नाराज, इदरीस मम्मू नाराज, मम्मू बासित काफी खराब बल्लेबाजी करते हुए, उनका साथ देते हुए सहबाद मुल्ला कुर्ता पैजामा में, सहबाद मुल्ला। ये गेंद तौसीफ लंबा रन अंपायर मोहम्मद तला को पार किया, बासित के लिए, बासित ने उठा के मारा, देखना चाहिए क्या हो जाता है और वहां पर कैच लेना चाहते थे आजर लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से आदर ने कैच को नहीं लपका और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 16-17। स्कोर यहां पर इस छक्के के मदद से ननपा हाईवे ब्रेक टीम 11 का स्कोर थोड़ा सा जंप होता हुआ 16 रन। फिर से एक बार नहीं खेल पाए तौसीफ, ये रन आउट की अपील कर रहे हैं अंपायर से और ये रन नहीं मिल पाएगा बिल्कुल। काफी खराब यहां पर सूझबूझ, रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको खेलना होगा। 2 ओवर की शायद नहीं समाप्ति, 1 गेंद बाकी है, इस 1 टू गो। इस ओवर की 5 गेंदें फेंकी जा चुके हैं, 1 गेंद फेंकना बाकी। तौसीफ मदार अपने ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के लिए तैयार, जाती पहली टीम की तरफ से दूसरी ओवर की आखिरी गेंद, आए अंपायर को पार किया, ये गेंद बासित के लिए, काफी खराब बल्लेबाजी। ये होता है अच्छे गेंदबाज आने पर छक्के छूट जाते हैं, हर एक के पसीने छूट जाते हैं। जब नेशनल टीम के गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे वो टाइम पे तुमको अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है और यहाँ पर ननपा मुदस्सिर के बल्लेबाज काफी खराब बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के औकात दिख रही है। यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति पर 16 रन। हो चुके 2 ओवर की समाप्ति पर। अब गेंदबाज आए ताबिश अशरफ मामा, मंडप डेकोरेटर्स मोहन बोईर, मैं द मैन फ्रॉम तुरमे रोहिंजन विलेज और जीतने वालों को हारने वालों को बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर मैन ऑफ द सीरीज मैन ऑफ द मैच हाईवे ब्रिक की तरफ से सभी ट्रॉफी दिए जाएंगे। केबल ऑपरेटर हमारे राहुल उलवेकर एक जबरदस्त केबल ऑपरेटिंग कर रहे हैं और कैमरामैन हमारा साहिल पारते,
WTC वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट यूट्यूब के माध्यम से लाइव को ऑर्गेनाइज किया गया हुआ है। ताबिश आई सहबाज मुल्ला के लिए उठा के मारने की कोशिश, मोहम्मद तला का इशारा आता हुआ वाइड गेंद का, टीम का स्कोर अतिरिक्त रन से बढ़ता हुआ 17। और मेरे कैमरामैन साहिल पार्थे से भी रिक्वेस्ट है कि सभी दर्शकों के ऊपर भी ओवर खत्म होने के बाद कैमरा घुमाएं, क्योंकि हमें फोन आ रहे हैं लाइव टेलीकास्ट से कि दर्शकों को नहीं दिखाया जा रहा है। और हमारे कैंटिंग जो लगी हुई है कैंटिंग के ऊपर भी कैमरा मारे। ये गेंद सहबाज के लिए, सहबाज मारना चाहते थे कहीं और, एक और बिहाइंड की अपील और बैक टू द पोलन सहबाज मुल्ला। काफी खराब कप्तानी यहाँ पर अनुपम मुदस्सिर की। मुबीन याशिन काका द मैन ऑफ द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट, तलोजा का फ्यूचर है वो, उनको मौका नहीं मिल रहा है, अब मिलेगा उनको मौका। लेकिन गेंदे बाकी शेष 5, टॉप 10 में नंबर 1 पे मुबीन यासिन काका है। उसामा मैं आपको कहना चाहूंगा, वसीम मन्नन गफ्फार है, उसामा दीवान है, अरफात बाहुबली है, बासित मम्मू है, जिशान असलम है, और ये जो गेंदबाज था आखिर बहादुरी की टीम का, काफी जबरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने। चाइना की टीम में थे, कभी जिंदगी में उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला है। उनकी गेंदबाजी अगर आज आप देखते हैं तो आप भी उनकी तारीफ करते। मुबीन भाव उनसे आकर्षित, साबिर कमरुद्दीन आकर्षित, नौमान कमरुद्दीन आकर्षित, खाली पापा आकर्षित, जाबिर कमरुद्दीन आकर्षित, सभी गेंदबाज वो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो। लेकिन उनका टॉप 10 में नाम लिया जाएगा। आपने अगर ताबिश हैट्रिक लेते तो आरिफ असलम मियां भाई की तरफ से ₹1,000 का इनाम ताबिश को दिया जाएगा। और अम्बार ने कहा है कि ननपा हाईवे ब्रेक 11 टीम इतने रन बनाए कि आप पूरे एक ही ओवर में रन ना दे, बहुत खराब टीम है आपकी, बोल अम्बार ने कहा है। ये मेरा कुछ नहीं बोलना। फिर से एक बार ताबिश आए अंपायर गोपाल के मोहम्मद वासित के लिए उठा के मारने की कोशिश और जबरदस्त सफल रहे। वन बाउंस नहीं, मौलाना अबू बकर का इशारा आता हुआ 6 रनों का। मम्मू बासित जो अच्छे बल्लेबाज है लेकिन उन्होंने आज काफी खराब बल्लेबाजी की है। उन्हें चाहिए था कि तौसीफ मदर और अजहर को भी अच्छी बल्लेबाजी करे, फिर मजा आ जाती है आपका नाम लेने में टॉप 10 में। लेकिन अभी हमको आपका नाम 5वें नंबर से लेकर नंबर 10 पे लेके जाना पड़ेगा, 10 नंबर पे। फिर से एक बार ताबिश परेशान, ताबिश थोड़े प्रेशर में भागते हुए अंपायर मोहम्मद तला को पार किया। ये गेंद, ओह काफी जबरदस्त गेंद, गॉड बिहाइंड की अपील, लेकिन कोई अंपायर पर असर नहीं। टीम का स्कोर डॉट पर 23 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट ना, एक ही 2 विकेट। सहबाज और मुबीन बैक टू द पवेलियन। काफी खराब बल्लेबाजी यहां पर हाईवे ब्रेक 11 की। ये गेंद मोहम्मद बासित के लिए, मौलाना अबू बकर कैच के नीचे देख रहे हैं, कैच कर पाते नहीं, भाग रहे दौड़ रहे वहां पर, और मदार की अच्छी फील्डिंग, एक रन पूरा किया, दूसरा रन ले रहे, काफी खराब रनिंग बिटवीन द विकेट। यहां पर बैटिंग के लिए खेल रहे कि मैच जीतने के लिए खेल रहे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काफी खराब रनिंग बिटवीन द विकेट। टीम का स्कोर इस रन से बढ़ता हुआ 24 रन। और इस ओवर की लास्ट गेंद बाकी, अच्छी गेंदबाजी यहां पर ताबिश की। मम्मू इद्रिस मम्मू देखते क्या कर पाते अपनी टीम के लिए, काफी खतरनाक बल्लेबाज है ये भी। ओ उठा के मारने की कोशिश, लेकिन अंपायर मोहम्मद तला का वाइड का इशारा। टीम का इसी अतिरिक्त रन से स्कोर बढ़ता हुआ 25 सही है, हम आजमा रहे थे कि आपका ध्यान है कि नहीं है। फिर से एक बार ये गेंद मम्मू इधर को, फुल टॉस गेंद थी, काफी जबरदस्त विकेट की वहां पर बाबू आकाश तारेकर की। क्या प्लेयर है ये, इसीलिए तो टेलर के नेशनल टीम में खेलते हैं, इनके साथ में मैं भी खेला हूँ, अच्छे प्लेयर है, बहुत ही अच्छे प्लेयर है। टॉस के लिए यहाँ पर दोनों भी कप्तान मौजूद है, बबलू और यहाँ पर बैट फ्लिप नहीं होगा, बबलू यहाँ पर टॉस उड़ाया जाएगा फैजान के हाथों।
इब्राहिम मोहम्मद टॉस उड़ाएंगे, इब्राहिम मोहम्मद टॉस उड़ाएंगे। इसके बाद का होने वाला मुकाबला पच्चीस रन ना स्कोर, 25 रन हो चुके हैं, 26 रन पे कंपलसरी बोलते बोलते क्या। और यहां पर टॉस उड़ाया जा रहा है जो रेड में, और यहाँ पर हमारे साथी कमेंटेटर अशरफ उर्फ मामू द मैन फ्रॉम ओवे, और यहाँ पर कमरुद्दीन ट्रॉफी का अनाउंसमेंट हो चुका है। हर सैटरडे संडे टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट होते जा रहे हैं और मेरे हिसाब से अभी ये टूर्नामेंट के बाद टूर्नामेंट का सिलसिला जरा एक दो हफ्ता रुकाया जाए। अभी हमारे लाडले प्यारे नौमान कमरुद्दीन, जाबिर कमरुद्दीन, खालिद पापा, साबिर कमरुद्दीन, पप्पू कमरुद्दीन, आदर कमरुद्दीन, जो तलोजा टीम के लिए काफ़ी खेल चुके हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उनके मान पान में, उनके रिस्पेक्ट में इसके बाद सैटरडे को भी टूर्नामेंट रखी जाएंगी। 16 टीमें हिस्सा लेंगे, जिन जिन टीमों को हिस्सा लेना हो वो नौमान, जाबिर, खालिद पापा से कंफर्म करें और उसके बाद दो तीन हफ्ते जरा टूर्नामेंट बंद रखा जाए। टीमें हो चुके, सॉरी 16 टीमें हो चुके इसके बाद जो होने वाले टूर्नामेंट। मोबी नैशिंग का अंपायर को पार किया, ये गेंद बाबू तारे करके उठा के मारने की कोशिश, लेकिन नहीं कंपर का है, सही संपर्क नहीं बाबू का और बल्ले का और गेंद का, बल्ले का अंदर साइड किनारा लगकर शॉट थर्ड मैन की दिशा में गई थी, वहां पर मम्मू इदरीस की अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा था उसी पर बाबू को, टीम का खाता खोला, बाबू ने अपना खाता खोला, स्कोर हो चुका है एक 26 कंपलसरी। इतने बात ध्यान रखो, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद फेंके जाने से कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर यहाँ पर मुबीन यासीन काका जो जबरदस्त गेंदबाज, बल्लेबाज और फील्डर है, कुछ कर पाएंगे अपनी टीम के लिए। फिर से एक बार ये गेंद तौसीफ मदार के लिए, क्या शॉट है, व्हाट अ क्लासिकल शॉट, व्हाट अ ब्रिलियंट लॉफ्टेड ड्राइव, आउटस्टैंडिंग शॉट। द स्कोर और सफान कोहली स्टेलिंग, दिस वन इज अ लॉफ्टेड ड्राइव, या फिर से एक बार मुबीन याशीन काका अपनी ओवर की तीसरी गेंद फेंकने की तैयार था उसी मदार के लिए, ये गेंद स्वीप शॉट खेलना चाहते थे वहां पर सौबान गेंद के नीचे, लेकिन ये होता है प्रेशर, ये होता है प्रेशर, सौबान जैसे फील्डर ने इस कैच को लॉलीपॉप छोड़ दिया, ननपा मुदसिर हाईवे ब्रेक का लॉलीपॉप यहाँ पर हजम नहीं होता हुआ, और अमर काफी खुश, ननपा को ओवर नहीं देने से अमर ज्यादा खुश, क्या होता है अभी गेंद में, अभी तक गेम बाकी है अमर, अभी तक गेम बाकी है, ननपा जो छुपे शेर की तरह प्लेयरों का अवसर बढ़ाते हुए, लेकिन वो जानते हैं कि हम टूर्नामेंट से बाहर होने वाले हैं। फिर से एक बार मुबीन याशीन काका, ये गेंद बाबू के लिए, बाबू ने उठा के मारा, मम्मू बासित, ओ क्या बात है मम्मू बासित, इस प्लेयर को देख के मुझे बहुत हंसी आती है, क्यों क्या मालूम, क्योंकि वो पुराने हीरो मिथुनदा की तरह दिखते है, कंप्लीटली डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मिथुनदा बासित मम्मू, आए क्या बात है, कोई शक क्या छिलप की मैंने, कोई शक, ये स्टाइल मिथुनदा की, थोड़ा सा कॉमेडी, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कॉमेडी बॉक्स में होता हुआ, क्योंकि हमारा हमारे यहाँ पर कॉमेडी बॉक्स में हमारे साथी कॉमेंटर अशरफ उर्फ मामू जो टी शर्ट, जर्सी, सॉक्स, शूज का आयोजन करते हुए और उनके पास मिलती है सब चीजें,
अपने तलोजा में किसी भी को ये चीजें लाने होंगे, लेने होंगे, तो किसी और के पास ना जाए, अशर मामू से कॉन्टेक्ट करे, साकिब शाहिद आफरीदी से कॉन्टेक्ट करे। और यहाँ पर हम चलते हैं मैदान की तरफ। थोड़ी सी कॉमेडी होने के बाद मुबीन याशिन काका ने एक जबरदस्त एक बड़ा झटका दिया है अजवा 11 को और कमबैक करती हुई यहाँ पर ननपा हाईवे ब्रेक की टीम। ये गेंद रिवर्स शॉट और कॉन्फिडेंस, लेकिन उसमें सफलता पाई है आजर ने। वन बाउंस टू बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर भैया को उड़ाते हुए भैया भेल वाला यहाँ पर काफी परेशान। 500 रुपए का नुकसान यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी फैजान की तरफ से दिया जाता आपको। फैजान पहले से खसारे में, हम उसको खसारे में और डालेंगे। और यहाँ पर कैंटीन की काफी स्टॉल, भैया चनिया मने वाला, भैया भेल वाला, उम्र गोले वाला, मुन्ना नासिर की आइसक्रीम, भेलपुरी, लगरा पुरी, पानी पुरी, कलिंगर की सब हर चीज यहाँ पर। अंपायर मोहम्मद तला का इशारा वाइड का आता हुआ, टीम का स्कोर वाइड से बढ़ता हुआ। 11 रन जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत, बची हुई गेंदें 13 गेंदों में 15 रन बस, बॉल टू रन। यहाँ पर अजवा जीतने के एक आधार पर, अजवा का परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त। अजवा के नन्हे मुन्ने बच्चे दर्शक यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अरे बाप, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे कहाँ पर है? आपके भतीजे, आपके बेटिया, आपके बेटे, वो दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा परफॉर्मेंस, ओह थैंक यू सो मच, अभी मुझे दिखाई दे अजवा का लाजवाब परफॉर्मेंस। आरिफ भाई काफी खुश, आरिफ भाई ने इसके पहले पार्टी को नहीं बुलाया था फाइनल में लेने के बाद, हमको सब याद रहता है आरिफ भाई, नॉट टू वरी, इट्स ओके, चलता है। आपकी पार्टी थी वो, आपने नहीं बुलाया हमको, इनवाइट नहीं किया था, लेकिन वो टाइम पे हम मुंबई में थे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अरे भाई आपके जबरदस्त दर्शक, नन्हे मुन्ने दर्शक, और आप काफी खुश, आपके कोच भी खुश। ननपा कप्तान काफी परेशान, थोड़ी सी स्पीड अप करे। ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर एक ओवर की समाप्ति पर 11 रन। अब जीतने के लिए 12 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। क्रिकेट अनिश्चित और भरा खेल है, आखिरी गेंद फेंके जाने तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे यहाँ पे स्कोरर सफवान कोहली कह रहे हैं कि और कॉन्फिडेंस पे अगर अजवा 11 आती है तो उनको टूर्नामेंट से बाहर होगा। इसके बाद के मैचेस दो ओवर में जीतने के लिए 15 रन, एक ओवर की समाप्ति पर 11 रन हो चुके हैं, 12 वाइड आने के बाद भी हिसाब है यहां पर। थोड़ी सी मिस्टेक होती है फिर भी हम देखते हैं, चेकआउट करेंगे। दो चौके, दो सिंगल, एक वाइड, 11 रन बाकी डॉट है और एक विकेट भी गए। अभी एक वाइड, 12 रन हो चुके टोटली। यहां पर हमारे स्कोरर काफी चौकन्ने हैं। और ए तौसीफ मदार के बल्ले से निकलता हुआ, लेकिन लंबाई नहीं ज्यादा, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, और एक बड़ा झटका अजवा 11 को लगता हुआ। मैंने पहले ही कहा था मिथुंदा, ओए कोई शक, दूसरा विकेट बैक टू द पवेलियन, तौसीफ मदार अब खसारे में आ चुकी है अजवा 11। और ननपा अंबार को चिराते हुए, अंबार को ठसन देते हुए ननपा मुदस्सिर हाईवे ब्रेक के ओनर, जिनके तरफ से ट्रॉफी रखी गई हुई, मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैलर, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द सीरीज, जीतने वालों को, हारने वालों को, और पहला प्राइज 20,000, सेकंड प्राइज 10,000, जीतने वाले को 20,000 और एक चमचमाती हुई ट्रॉफी, हारने वाले को 10,000 और एक चमचमाती हुई ट्रॉफी। जबरदस्त कैच यहाँ पर, फिर से एक बार बासित, ये गेंद अजहर के लिए, अजहर और कॉन्फिडेंस में आते हुए जबरदस्त गेंदबाजी। यहाँ पर कांटों भरा मुकाबला, जिस तरीके से उम्मीद थी दर्शकों को उसी तरीके का मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब बची हुई 10 गेंदों में जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत, दो विकेट बैक टू द पवेलियन हो चुके, दोनों विकेट तौसीफ मदार और बाबू आकिब तारेकर के रूप में। आरिफ परेशान और उनके नन्हे मुन्ने दर्शक भी परेशान। फिर से एक बार मम्मू बासित, ये गेंद अजहर के लिए उठा के मारने की कोशिश की और सफल भी हुए, लेकिन वहां पर जाहिद रफीक आप्पा काफी खतरनाक फील्डर, और उनकी थ्रो देखिए, जरा यंग प्लेयर से मैं कहूंगा कि उनकी थ्रो देखिए, जो लाइव पे लगे हुए वो भी देखिए, ये होती है थ्रो, डायरेक्ट दस्तानों में विकेट कीपर साहिबाज मुल्ला के। व्हाट आउटस्टैंडिंग फील्डर यू आर, जाहिद रफीक आप्पा मींस मुल्ला। लेकिन रफीक आप्पा बोलना काफी जरूरी है क्योंकि उनका आर नेम पेट नेम हमको यही मालूम है। अब नौ गेंदें
13 रनों की जरूरत, 13 रन हो चुके, 9 गेने 13 रन। फिर से एक बार ताबिश अंदर आए, उठा के मारने की कोशिश, कारपेट ड्राइव, वहां पर सौबान मौजूद, सौबान की काफी जबरदस्त फील्डिंग, अब 8 गेने 12 रन। जबरदस्त मुकाबला, पूरी क्लैपिंग मोड पर, पूरे दर्शक क्लैपिंग मोड पर, एक बार तालियां हो जाए ये मुकाबले के लिए, पूरे दर्शक क्लैपिंग मोड पर, वाह व्हाट आउटस्टैंडिंग मैच। 8 गेने 12 रन, 8 गेने 12 रन, अजहर और ताबिश खेलने के लिए, मम्मू बाशिद, ये गेंद अजहर के लिए, काफी जबरदस्त गेंद, काफी जबरदस्त विकेट कीपिंग वहां पर से बात की, 7 गेने 11 रन, ये हो रहा है ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा, स्पीड अप करे, 7 गेने 12 रन, काफी खराब बल्लेबाजी यहां पर अजहर की, ताबिश की काफी खराब बल्लेबाजी। मम्मू बाशिद मिथुंदा, व्हाट अ कमबैक यू आर, व्हाट अ बॉलर यू आर, काफी ये गेंद बासित की और काफी जबरदस्त गेंद, ओरियल लेना चाहते थे सहबाज थोड़े कंफ्यूजन में, ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर इस ओवर की समाप्ति पर, जबरदस्त कमबैक किया यहां पर ननपा हाईवे ब्रेक की टीम ने। और यहां पर एक ओवर में जीतने के लिए 12 रन की जरूरत, ये ओवर में मम्मू बासित ने काफी खतरनाक गेंदबाजी की है, टोटल रन दिए उन्होंने 3 और कमबैक किया है। मैंने पहले कहा था आज वो 11 के बल्लेबाजों को कि आप अगर और कॉन्फिडेंट में आएंगे, क्रिकेट घमंड का खेल नहीं है, क्रिकेट घमंड का खेल नहीं है, क्रिकेट में दिलचस्पी। अजहर जैसे खराब बल्लेबाजी, इतने जबरदस्त बल्लेबाज है वो, इसके पहले टूर्नामेंट में मैं आपको बताना चाहूंगा सफवान और सभी दानिश दोनों को कि इसके पहले जो टूर्नामेंट में फाइनल ली थी अजवा 11 ने, उसमें आदर का काफी दारोमदार था, उन्होंने काफी अच्छे बल्लेबाजी और गेंदबाजी की थी। ये गेंदबाज नेम सौबान ताबिश के लिए, ताबिश उठा के मारना चाहते थे अंपायर मोहम्मद तलक का इशारा वाइड का था, वो आप 6 गेंद 11 रन। बासित मम्मू ने बता दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं, आ देखे जरा किस में है कितना दम। यहाँ पर अजवा 11 और ननपा हाईवे ब्रेक के बीच में काफी काटो भरा मुकाबला दर्शकों को देखने को मिल रहा है। सफवान आए अंपायर को पार किया, लेकिन ताबिश ने उठा के मारा है, क्या लाजवाब शॉट है, व्हाट अ शॉट बाय ताबिश अशरफ मामा, ये है स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द डे। और अशरफ मामा काफी खुश, क्यों ना हो, ऐसे प्रेशर में उन्होंने उनके बेटे ने छक्का लगाया है, अशरफ मामा काफी खुश, वाह वाह क्या बात है। अशरफ मामा की तरफ से 100 रुपया, अशरफ मामा की तरफ से 100 रुपया आ चुके हैं ताबिश को, जबरदस्त शॉट आए नहीं है, हमने हमारे तरफ से अनाउंसमेंट किया है क्योंकि हमारा भी अशरफ मामा है, आखिर बहुत पुराने खिलाड़ी है, पूरे गांव के लाडले है वो, मुबीन के जमाने से, मुबीन के पहले से उन्होंने खेली। 5 गेंदे 5 रन कंपल्सरी, लेकिन अभी तक मैच जीती नहीं, इतनी बात ध्यान में रखो, ये क्रिकेट अनिश्चित और बड़ा खेल है, आखिरी गेंद फेंके जाने से कुछ कहा नहीं जा सकता, अरिब्बा अभी तक आप मैच नहीं जीते हो, 5 गेंदे 5 रन कंपलसरी। ताबिश अशरफ मामा की गेंद, काफी शॉट खेला थे, अजहर मौजूद, रन हो सकते हैं अजहर, लेकिन वहां पर देखना चाहिए मोहम्मद तला का इशारा, नॉट आउट का आता हुआ, नॉट आउट अंपायर मोहम्मद तला का इशारा, नॉट आउट। गेंदबाज ने गलती की है, गेंदबाज ने डायरेक्ट थ्रो ने लगे, अब 4 गेंदे 5 रन। जाबिर कमरुद्दीन जाकर भी कॉमेंट्री बॉक्स में आ जाए प्लीज, जरा जाबिर प्लीज, आई हैव वर्क विद यू About the next tournament, I want to discuss with you, Jabir, please.
एक अनाउंसमेंट ये है कि जाबिर कमरुद्दीन ने अभी मुझे बताया है कि 13 तारीख ऑन द डे इज सैटरडे 13th February 2021, उसमें 16 टीमें हो चुकी है और हर मैच 4 ओवर खेला जाएगा। कमरुद्दीन ट्रॉफी, वो ट्रॉफी का नाम है कमरुद्दीन ट्रॉफी, और बहुत जबरदस्त ट्रॉफी हो जाएगी। वो 4 गेंदे 5 रन, ये गेंद ताविश ने उठा के मारा, वहां पर फील्डर मौजूद सौबान देखना चाहिए कैच कर पाते नहीं, लेकिन यहाँ पर कैच पे दौड़ना चाहिए था सौबान को, काफी खराब सूझबूझ यहाँ पर। और यहाँ पर अजवा 11 के दर्शक खुश, अजवा 11 के नन्हे बच्चों की दुआ में गोल लगता है कामयाब हो रही है। 3 गेंदे 3 रन, अभी तक मैच में रोमांच है, अभी तक मैच घसा घसी का हो सकता है। ये हमारे कोकनी भाषा मराठी भाषा में कहते हैं हमारे आश्रम मामू, घसा घसी मीन्स मराठी का लैंग्वेज, मराठी का वर्ड, फासला फसफूस करता, ये कोकनी वर्ड है, ये इब्राहिम मामे का कॉमेडी वर्ड। सौबान मैथ्या नहीं जिंदा, सौबान नमरे, जिंदा नहीं वो कुछ नहीं, सौबान नमरे। फिर से एक बार तैयार ताबिश के लिए, ये गेंद ताबिश ने उठा के मारा, वहां पर कैच हो सकती है और ये हो जाएगा विकेट, और ये विकेट। क्या मैच में बदा आ रही है दर्शकों को, क्या हो रहा है, 2 गेंदे में 3 रनों की दौड़। और अभी प्रेशर में मौला अबू बकर, अरे परेशान, उनके दर्शक परेशान, उनके नन्हे बच्चे परेशान, उनके भतीजे परेशान। ताबिश ने थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में शॉट खेला है, इस वक्त ऐसा शॉट नहीं खेलना चाहिए ताबिश आपको। 2 गेंदे 2 रन, बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको ये अंदर आता है तो ये मौके पर पेनल्टी खाना मुसा मुनासिब नहीं होगा। इब्राहिम मामिया वहां पर बोलो पेनल्टी रहेंगी, ये मुसा भी प्लीज अंदर हो जाए, थैंक यू सो मच। और नलपा पेनल्टी रहेगी, अपने प्लेयर को बोलो ये वहां पर अंदर आ रहे, प्लीज वहां पर अंदर आ रहे, देखो वहां पर अंदर आ रहे। ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। ननपा का कुछ संबंध नहीं है वो दर्शकों से, मार खाएंगे दर्शक, प्लीज अंदर ना आए, ननपा का मार खाएंगे। काफी रोमांच भरा मुकाबला, सौबान काफी खुश, मम्मू बाशिद मिथुंदा खुश, मम्मू इदरीस मम्मू खुश, काफी जबरदस्त। अनश शकील भाईजान भी खुश लेकिन थोड़े से परेशान। अजवा 11 2 गेंदे 3 रन, कंपल्सरी चेसिंग, 2 गेंदे 3 रन, सौबान नमरे अंपायर को पार किया, ये गेंद आदर के लिए, आदर ने मारा जाहिद की, काफी खतरनाक फील्डिंग, इसको मैं दूंगा 20 रुपया, काफी जबरदस्त एक रन पूरा किया, वहां पर खराब फील्डिंग सौबान की, काफी खराब फील्डिंग यहां पर सौबान मैथ्या की। सौबान मैथ्या ने गेम को गलाया है, सौबान को जिंदा होने की शो थी। 1 गेंदों में 1 रन, जाहिद रफी का अप्पा, आपको मेरे तरफ से 20 रुपया का इनाम है। क्या गेम है ये, 1 गेंदे 1 रन, कंपलसरी 1 गेंदे 1 रन, अंपायर की परमिशन बने पानी ना लेके जाए प्लीज। रात को सुबह 12 बजे आते हैं, एक बार खाना खा के आते हैं तो रात को 9 बजे घर पे चले जाते हैं, ये मेहनत और ये भूतों का साया है, ये हवेली एवलन प्लस ननपा हाईवे ब्रेक है। और यहाँ पर अंबार आहिस्ता आहिस्ता जगह छोड़ते हुए, अंबार बाग वाले भागते हुए ननपा से डरकर, मुदस्सिर ननपा उनके काफी खुन्नस में है। 1 गेंदे 1 रन, जाहिद रफी का अप्पा, यू आर द एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग फील्डर, आपको बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट दिया जाएगा मेरे तरफ से 20 रुपया, कप नहीं है लेकिन मेरे तरफ से 20 रुपया। हमारे आश्रम मामू कहते 20 रुपया मतलब 2000 पैसे, क्या करें हम इको वाले हैं भैया, हमारे तरफ से 20 रुपया भी बहुत है, जिंदगी बन गई है कुछ इस कदर, ना इधर ना उधर, बस घर से इको, इको से घर। 1 गेंदे 1 रन, व्हाट अ मैच इस वन, व्हाट अ मैच। सौबान मैथ्या अंपायर को पार किया, ये गेंद आदर के लिए प्लेस किया है मम्मू भाई, नो। और यहाँ पर अजवा 11 काफी खतरनाक है, जबरदस्त गेंद थी ये सौबान की, आरिफ भाई की पंटर आती हुई ग्राउंड में, आरिफ भाई की पंटर।